सुहाना दिन है, चलो चलते हैं अरोड़ा परिवार के घर, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। बबली, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देखिए, मैं रिंकी के रात तक आने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि वो ये पेस्ट्रीज खा कर देखे जो मैंने उसके लिए बनाई है। बबली, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, साफ करो और जाकर सो जाओ। ओ, मम्मी अभी नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे पेस्ट्रीज खत्म करनी है। तुम्हें अब सोना चाहिए, बच्चों को आराम करना भी जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज बना दूंगी। शुक्रिया मम्मी। मैं थकी भी नहीं हूँ, मुझे पेस्ट्रीज बनानी है। हो गया, वाह, ये कितनी प्यारी बनी है। बबली, बबली उठो, रिंकी आई है, जाओ खेलो उसके साथ। रिंकी, बबली, मैं बहुत खुश हुई तुम्हें देखकर, तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। मैं भी। सोचो क्या हो सकता है? हाँ, पेस्ट्री तो नहीं? बिल्कुल सही, मम्मी और मैं दोनों ने मिलकर बनाई है। ओ, वाओ, तुम बहुत अच्छी हो। चलो खेलते हैं। लड़कियों को खेलना बंद करना होगा, कल तुम्हें पार्क भी जाना है ना? ठीक है, गुड नाइट। वो चली गई। बबली अभी सो चुकी है। ठीक है, वैसे मुझे लगता है बबली तुम जितना जल्दी सो जाओगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो करेगी, फिकर मत कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट रिंकी। गुड नाइट बबली। सो रही हो? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मैं क्या करूं? रिंकी, क्या तुम खेलना चाहती हो? मेरा म्यूजिक बॉक्स? ठीक है, शायद ये मुझे सोने में मदद करेगा। हो गया, ये फिर से बंद हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं जानती हूँ, अगर इसे मैं ज्यादा रफ्तार से घुमाओ तो ये ज्यादा देर तक बचेगा। ये टूट गया। पापा को कल बोलूंगी बनाने, शायद वो बना पाए। क्या करो आप, चलो भेड़े गिनती हूँ। एक भेड़, दो भेड़, तीन भेड़, चार भेड़, पांच भेड़, छह भेड़, सात भेड़। देर हो गई, मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है। पापी? सॉरी रिंकी, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी।
आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं भी जागूंगी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। थैंक्स। एक बार दो राजकुमारियाँ थी, एक भूरी थी और दूसरी पीली। उसके बाद वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। मुझे ये कहानी पसंद आई। हाँ रिंकी, सुन रही हो ना? माफ करना, झटके लगे। हे, तुम राजकुमारी खेलना चाहोगी? हाँ, मुझे ये पसंद है। सफेद बादलों जैसे राजकुमारी, ये आपके लिए। सूरज और चांद से बनाइए केक, इसमें कुछ केले भी है, टेस्ट कीजिए। वाह, ऐसा केक मैंने कभी नहीं खाया। स्वादिष्ट है ना? राजकुमारी, अब आप केक खाइए। चांद और सूरज से बना, इसमें कुछ केले भी है। था। चलो अब चलकर सोते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है। पापली, क्या तुम सो गई हो? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं क्या करूं, मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही। रिंकी, क्या तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ। मैं अभी तक जाग रही हूँ। रिंकी, रिंकी, शायद वो सो गई। नहीं, मैं लगातार जाग रही हूँ। मैं भी। बबली, रिंकी, मम्मी, आंटी, तुम्हें जल्दी उठना है बेटा, देखो काफी समय हो गया है। अरे नहीं, 4 बजने वाले हैं। हम नहीं सो सकते, हमने बहुत केक खा लिया है। मैं तुम्हारा क्या करूं? ठीक है ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश करती हूँ। मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही सहलाती थी। क्या ये ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से सो जाओ। बिटिया सो जाओ, आराम से सो जाओ, जिंदगी लंबी और गहरी है। अच्छे से सो जाओ बच्चों। बबली, बबली, जल्दी उठो और नाश्ता कर लो। बबली, जल्दी उठ जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी। हमें पता है मम्मी। बड़े, चलो मुझे पकड़ो। नए दोस्त, हे, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम लोग नए हो? क्या तुम लोग पांडा जो? इसमें क्या मजा किया है? ये मैं हूँ बबली और ये रिंकी। तुम्हें क्या हुआ है? हम पूरी रात सो नहीं पाए। कितना बढ़िया दिन है, आज हमारे बच्चे नया क्या सीखेंगे? ला 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 ला
तुम्हारे पास कोई कहानी है? कहानी? तुम चल सकते हो? क्या मैं चल सकता हूँ? मुझे छोड़ने दो, मैं चलूँगा। तुम्हारे राजकुमार सुनेंगे। हाँ? हाँ? हे रिंकी, हाँ? क्या तुम चुनोगी? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। वाह! मुझे चुनो, मैं चुनने में माहिर हूँ। कहानी चांद के झरने के बारे में होगी। एक बार की बात है, मैं अपने माता पिता के साथ रेगिस्तान में घूम रही थी। हम बहुत थक चुके थे और प्यासे थे, और हमारे आखिरी पानी की बोतल भी छिपकली ने चुरा ली थी। हवा सचमुच बहुत तेज थी और हमें नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे बिल्कुल। तभी मैंने पानी गिरने की आवाज़ सुनी और तुम्हें यकीन नहीं होगा मैंने क्या देखा। चांद से गिरता हुआ पानी का झरना वो पूरे रेगिस्तान से होकर बह रहा था, जिससे आधे चांद के आकार का तालाब बन रहा था। मेरे पिता ने कहा यह सब एक छलावा है, असली तालाब नहीं है। पर पता है क्या, मैंने इसे सच मान लिया। पानी असली था और घास भी, और वहाँ मुझे ये पत्थर मिला। बबली, तुम्हें चांद ने बचा लिया और मुझे लगता है ये पत्थर चांद की तरफ से तोहफा है। दोस्तों, क्लास का वक्त हो गया। क्या सुंदर है रिंकी, अभी हमें चलना चाहिए। ओ चांद के पत्थर, तुम बहुत सुंदर हो। कौन है वहाँ? माफ करना, मुझे जाना होगा, पर मैं बाद में आकर मिलूंगी। मुझे तुम्हें पहले छुपाना होगा। चांद के पत्थर, बाद में मिलते हो। बाय चांद के पत्थर। ओ रिंकी। चलो रेगिस्तान में चलकर चांद का झरना देखते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते, ये खतरनाक है। बड़े, जब हम बड़े हो जाएंगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पर हम बड़े कब होंगे? क्या तुम्हें लगता है चांद का झरना हमारा इंतजार करेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बड़े, बस थोड़ा सा भरोसा रखो। समझ गए? बबली, क्या मैं तुम्हारा चांद का पत्थर देख सकता हूँ? ठीक है। बबली, क्या हुआ? मैंने यही रखा था, कहाँ गया? मुझे देखने दो, बबली का खजाना गायब हो गया है। आओ उसको ढूंढते हैं। मैंने अपना खजाना खो दिया। बच्चों, क्या हो गया? बबली का खजाना खो गया। ढूंढते रहो बच्चों, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? बोलो, मेरे साथ आओ। बबली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, देखोगी? मैं जानती हूँ क्यों अंदर आ सकती हूँ। हाँ, वो अभी तक वापस नहीं आई। ये एक जादुई पेड़ है, अगर इसे अपनी तकलीफ बताई जाए तो ये ठीक कर देता है। हाँ, सच में? हाय, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एक खजाना था जो मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन वो अब खो चुका है। कौन है? उस बक्से में एक बादाम था जो मुझे जंगलों में मिला था। हाँ? और एक सूखा हुआ फूल था। वो एक तोहफा था चींटी का, जो मिली थी मुझे वर्षावन में। बबली, वो सभी चीजें मेरे लिए बहुत
जरूरी थी। प्लीज मेरा खजाना लौट आओ मेरे पास फिर से। मुझे माफ कर दो बबली, मुझे। हाय मिस जानकी। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। रिंकी, क्या तुम ये पेचकस निक्कू को वापस कर दोगी? बहुत दिन पहले ये मैंने उससे लिया था, मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। सच कहूँ तो मैं वापस नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये निक्कू की अमानत है। पर आप ये अपने लिए क्यों नहीं रख लेती? क्योंकि ये चोरी है और मैं ये निक्कू से कभी भी मांग सकती हूँ। मुझे खुशी है तुम समझ गई। मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस जानकी, मैं उसे वापस कर दूंगी। बाय मिस जानकी। ये कहाँ गया? निकू सुनो, ये रहा तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर। मिस जानकी ने तुम्हें इसे वापस करने दिया है। अरे हाँ, मैंने मिस मोनिका को दिया था, मैं भूल गया था। ये मेरा पसंदीदा औजार है। मिस जानकी को ये बहुत पसंद है। सच में? हाँ। अगर उन्हें दोबारा जरूरत होगी तो मैं उन्हें ही दे दूंगा। तो तुम्हें अपनी फेवरेट चीज लोगों को देने में बुरा नहीं लगता? स्क्रू ड्राइवर को भी? बिल्कुल नहीं, मुझे मिस मोनिका पर भरोसा है। वो कभी इसे जानबूझकर नहीं तोड़ेंगी और वो मुझे वापस कर देंगी। अगर ये वापस मिल गया तो मतलब सब ठीक है? क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मैं उस खजाने को देखने जा रहा हूँ। निकू सच में होशियार है। बबली, दुखी मत हो तुम यार। बड़ी जल्दी करो, छोटे भी धक्का मत दो। तो जल्दी करो बबली। ये मेरा पसंदीदा शहद है। जब मैं इसे इकट्ठा कर रहा था तो मुझे बहुत फर्क आता गया। ओ बड़े, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा ही तो आइडिया था। बबली, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। लो, ये केले रखो। ये तुम्हारे राजकुमार की तरफ से तोहफा है। थैंक यू की जरूरत नहीं। शुक्रिया मेरे दोस्त। दोस्तों यहाँ देखो। इस बक्से को देखो, क्या ये मेरे लिए है? ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया दोस्तों। हाँ, खजाने का बक्सा वापस मिल गया। ओ वाह दोस्तों, बबली के खजाने का बक्सा वापस मिल गया। अब हम और कहानियां सुन सकते हैं। बबली, क्या हम तुम्हारे बॉक्स को अंदर से देख सकते हैं? क्यों नहीं, मेरा सारा खजाना इसमें है। ओह, ये क्या है? वाह, ये बहुत सुंदर है, सूरज की तरह। मैं समझ गया, चांद का पत्थर सूरज के पत्थर को देखने गया था और अब वो दोनों साथ में वापस आ गए। ओह हाँ, इस पत्थर की भी अपनी कहानी होगी। बबली, हाँ? बबली, तुम्हारा ये खजाना मेरे पास था। उस दिन तुमने उसे वहाँ रखा था, तब मैंने बिना बताए ले लिया था। मुझे ये बहुत पसंद आ गया था। मुझे माफ कर दो। सुनो, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। सच में? मैं वादा करती हूँ ये टूटेगा नहीं और मैं इसे वापस कर दूंगी। क्या मैं भी इसे ले सकता हूँ? और मैं भी। अपने राजकुमार को मत भूलना। मैं भी। सब लोग ले सकते हैं, प्लीज लाइन में खड़े हो जाओ। मेरा दूसरा नंबर है। और मैं और मैं भी हूँ। रिंकी सबसे पहले।